नमस्कार दोस्तों दोस्तों वैसे तो आर्ट एंड कल्चर के बेसिक्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप बेसिक वीडियोस देखना चाहते हो तो ओनली आई एस यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आर्ट एंड कल्चर से संबंधित बेसिक वीडियोस आप देख सकते हो। लेकिन प्लस वन की जो आर्ट एंड कल्चर की एनसीईआरटी है, जिसका नाम है एन इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट, ये एनसीईआरटी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लैंग्वेज भी काफ़ी टफ है इस एनसीईआरटी की, लेकिन बिल्कुल आसान शब्दों में इस एनसीईआरटी को हम डिस्कस करेंगे। आपका एक भी पॉइंट नहीं छूटेगा और बिल्कुल आपके दिमाग में बैठ जाएगी इस एनसीईआरटी से संबंधित सारी डिटेल्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला लेक्चर, प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग्स। पहले मुझे आप एक सिंपल क्वेश्चन का आंसर दीजिए, प्री हिस्ट्री का क्या मतलब है? देखो, हिस्ट्री को आप तीन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो, प्री हिस्टोरिकल पीरियड, प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड और सबसे लास्ट में हिस्ट्री। प्री हिस्टोरिकल पीरियड वो पीरियड है प्रायर टू द इन्वेंशन ऑफ राइटिंग, यानी देखो राइटिंग के इन्वेंशन से पहले का जो पीरियड है उसे प्री हिस्टोरिकल पीरियड कहा जाता है। यानी कुछ लिखा ही नहीं जाता था, राइटिंग को इन्वेंट ही नहीं किया गया था। उसके बाद प्रोटो हिस्टोरी, प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड में क्या हुआ था, राइटिंग को इन्वेंट तो कर लिया गया था, लिखा तो जाता था, लेकिन देखो इस पीरियड के दौरान जो भी लिखा गया था आज तक हम उसे डेसिफर नहीं कर पाए हैं। मतलब हम समझ नहीं पाए हैं कि क्या लिखा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, हड़प्पन सिविलाइजेशन के अवशेष जो हमें मिले हैं उनमें हमें बहुत सी ऐसी चीजें मिली हैं, कुछ लिखा हुआ है, लेकिन आज तक हम समझ नहीं पाए हैं कि क्या लिखा हुआ है। तो ऐसे पीरियड को कहा जाता है प्रोटो हिस्ट्री। यानी प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड में राइटिंग तो होती थी लेकिन क्या लिखा हुआ है उसे हम अभी तक डेसिफर नहीं कर पाए हैं। हिस्ट्री सबसे लास्ट में। हिस्टोरिकल पीरियड में देखो राइटिंग तो इन्वेंट हो ही गई थी, वो तो पहले वाले पीरियड में ही हो गई थी प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड में। लेकिन देखो हिस्टोरिकल पीरियड में जो भी लिखा गया था उसे हम पढ़ पाने में सफल हो पाए हैं, यानी हम समझ गए हैं हिस्टोरिकल पीरियड में जो लोग उस समय रहते थे उन्होंने क्या कुछ लिखा है हम उसे समझ पाए हैं। तो वो पीरियड है हिस्टोरिकल पीरियड। अब देखो प्री हिस्टोरिकल पीरियड में आता है स्टोन एज, और स्टोन एज को आप तीन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। सबसे पहले पेलियोलिथिक पीरियड, पेलियो का मतलब है यहां पे ओल्ड और लिथिक का मतलब है स्टोन, यानी ओल्ड स्टोन पीरियड। दूसरे नंबर पे आता है मेजोलिथिक पीरियड, मिजो का मतलब है यहाँ पे मिडल और लिथिक का मतलब है स्टोन, यानी मिडल स्टोन एज। और तीसरे नंबर पे स्टोन एज में आता है न्यूलिथिक पीरियड, न्यू का मतलब है यहाँ पे न्यू, यानी न्यू स्टोन पीरियड। तो देखो प्री हिस्टोरिकल पीरियड के अंदर आता है स्टोन एज, और स्टोन एज को आप तीन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। न्यूलिथिक पीरियड के बाद स्टार्ट हो जाता है ब्रोंज एज, ब्रोंज एज में आपको पता है हड़प्पन्स आते हैं। उसके बाद आता है आयरन एज, और आयरन एज में आपको पता है वैदिक युग स्टार्ट हो जाता है। तो अब हम चलते हैं मेन स्लाइड की तरफ। ये तो हमने थोड़ा सा बेसिक समझा था कि आसानी से आपको प्री हिस्टोरिकल पीरियड की पेंटिंग्स समझ में आ जाए। सबसे पहले देखो बात करते हैं अपर पेलियोलिथिक टाइम्स की। पेलियोलिथिक टाइम्स यानी कि ओल्ड स्टोन टाइम्स को आप देखो मेनली तीन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो, लोअर पेलियोलिथिक, मिडल पेलियोलिथिक और अपर पेलियोलिथिक। यहाँ पे ईरा भी दिया हुआ है, 2.5 मिलियन ईयर्स से 1 लाख ईयर्स एगो के बीच में है लोअर पेलियोलिथिक टाइम्स। उसके बाद मिडिल पेलियोलिथिक टाइम्स है 3 लाख से लेके 30,000 ईयर्स एगो के बीच में, और सबसे लास्ट में है अपर पेलियोलिथिक, ये सबसे लेटेस्ट है। 40,000 ईयर्स और 10,000 ईयर्स के बीच में जो समय है वो है अपर पेलियोलिथिक टाइम्स। और हमारे इंडिया में जो ओल्डेस्ट पेंटिंग्स पाई गई हैं वो इसी ईरा के पाई गई हैं, अपर पेलियोलिथिक समय की पाई गई हैं। यानी मिडिल पेलियोलिथिक और लोअर पेलियोलिथिक समय की पेंटिंग्स हमारे इंडिया में नहीं पाई गई हैं। पहले देखो हम प्री हिस्टोरिक ईरा की पेंटिंग्स के बारे में कुछ की और जनरल फैक्ट्स डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट तो यही है जो हमने अभी अभी डिस्कस किया कि ओल्डेस्ट पेंटिंग जो इंडिया में मिली है वो अपर पेलियोलिथिक ईरा की देखने को मिली है। और देखो जो लोग उस समय रहते थे उन्होंने किस प्रकार की पेंटिंग्स बनाई, ह्यूमन फिगर्स, ह्यूमन एक्टिविटीज, यानी जो भी काम उस समय ह्यूमन बींग्स करते थे, फॉर एग्जाम्पल शिकार, हंटिंग इत्यादि, इन सब की पेंटिंग्स बनाई उस समय अपर पेलियोलिथिक टाइम्स में रहने वाले लोगों ने। इसके अलावा ज्योमेट्रिक डिजाइंस भी बनाए गए और सिंबल्स भी, ज्योमेट्रिक डिजाइंस जैसे कि स्केयर्स, रेक्टेंगल्स, ट्राइंगल्स, इस प्रकार के ज्योमेट्रिक डिजाइंस उनके द्वारा बनवाए गए। और सिंबल्स जैसे कि जो हथियार थे उनके पास स्टोन्स के, पत्थरों के जो हथियार थे उनके सिंबल्स पेंट किए गए। देखो इंडिया में पहली रॉक पेंटिंग्स की जो डिस्कवरी की गई वो की गई 1867 से 1868 के बीच। उस समय काफ़ी फेमस आर्कियोलॉजिस्ट थे आर्किबोल्ड करलेले,
उन्होंने ये डिस्कवरी की थी इंडिया में 1867 में, और ये डिस्कवरी स्पेन में अल्तमीरा पेंटिंग्स की डिस्कवरी से 12 साल पहले हुई थी। यानी इंडिया में सबसे पहले जो रॉक पेंटिंग्स को डिस्कवर किया गया 1867 में, उसके 12 साल बाद स्पेन में अल्तमीरा पेंटिंग्स को डिस्कवर किया गया। और बाद में ये पता लगा था कि स्पेन में जो ये अल्तमीरा पेंटिंग्स को डिस्कवर किया गया है, ये ओल्डेस्ट रॉक पेंटिंग है पूरे वर्ल्ड में। हमारे देश में बात करें कि रॉक पेंटिंग्स कहाँ कहाँ देखी जा सकती हैं, देखो आज का जो मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, बिहार, इन राज्यों की कई सारे जिलों में रॉक केव्स में ये रॉक पेंटिंग्स देखी जा सकती हैं प्री हिस्टोरिक इरा की। इसके अलावा उत्तराखंड में कुमाऊ हिल्स हैं, वहां पर भी जो गुफा या फिर रॉक शेल्टर्स हैं प्री हिस्टोरिक इरा की पेंटिंग्स देखी जा सकती हैं। रॉक शेल्टर्स देखो इस प्रकार से जो स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाता है, रॉक के नीचे थोड़ी सी जगह हो ताकि ह्यूमन बींग बारिश से तूफान से बच के यहाँ पे नीचे शरण ले सके। तो उस समय यही होता था प्री हिस्टोरिक ईरा में, घर घूर तो बने नहीं थे तो ह्यूमन बींग्स जो थे उनको इस प्रकार से शरण लेनी पड़ती थी, तो रॉक की आड़ में वो शरण ले लेते थे। तो ऐसे स्ट्रक्चर्स को रॉक शेल्टर कहा जाता है। तो प्री हिस्टोरिक ईरा की जो पेंटिंग्स हैं वो या तो रॉक शेल्टर्स में देखने को मिलती है या फिर केव्स में यानी गुफाओं में देखने को मिलती है। नीचे ये जो पिक्चर है ये काफी फेमस भीमबेटका पेंटिंग्स की है, अभी हम डिस्कस करेंगे थोड़ा सा भीमबेटका पेंटिंग्स के बारे में। देखो आज का जो उत्तराखंड है वहां पर अल्मोड़ा में एक जगह है लखुदियार, लखुदियार में सुयल रिवर के किनारे पे काफी सारे रॉक शेल्टर्स हैं, और वहां उन रॉक शेल्टर्स में इस प्रकार की प्री हिस्टोरिक ईरा की पेंटिंग्स देखी जा सकती हैं। लखुदियार का मतलब है 1,00,000 केव्स, यानी 1,00,000 केव्स हैं वहां पे छोटी छोटी, तो उपयुक्त जगह थी ह्यूमन बींग्स के लिए रहने के लिए प्री हिस्टोरिक एरिया में, इसी वजह से इतनी ज़्यादा पेंटिंग्स वहाँ पर देखने को मिलती हैं। हम बात करें लखुदियार पेंटिंग्स की जो कि उत्तराखंड में हैं, यहाँ पर देखो ह्यूमन बींग्स को स्टिक की फॉर्म में दिखाया जाता है इस प्रकार से। यहाँ पर लॉन्ग स्नाउटेड एनिमल्स, स्नाउट का मतलब ये होता है थूथनी, यानी नाक का जो हिस्सा बाहर निकला हुआ होता है, जानवरों में आपने देखा होगा जैसे ये डॉग का यानी कुत्ते का नाक का हिस्सा है जो मुंह से आगे निकला हुआ है, इसे हिंदी में तो थूथना कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं स्नाउट। तो लॉन्ग स्नाउटेड एनिमल्स की पेंटिंग्स, फोक्स, मल्टीपल लेग लिजर्ड यानी छिपकली कई सारे पैरों वाली, ये सारी मुख्य थीम्स हैं। इसके अलावा वेवी लाइन्स, ये देखो पिक्चर में जो आपको वेवी लाइन्स देखने को मिल रही हैं लखुदियार पेंटिंग्स में। रेक्टेंगल फील्ड ज्योमेट्रिक डिजाइंस, रेक्टेंगल में ज्योमेट्रिक डिजाइंस को फिल कर दिया गया है, और ग्रुप ऑफ डॉट्स, इस प्रकार की पेंटिंग्स मिलती हैं। और देखो एक इंटरेस्टिंग सीन जो कि लखुदियार पेंटिंग्स में देखा जा सकता है, हैंड लिंक्ड डांसिंग ह्यूमन फिगर्स। यहाँ पर देखिए कई सारे ह्यूमन बींग्स एक दूसरे का हाथ पकड़ के नाच रहे हैं, इस प्रकार की पेंटिंग यहाँ देखने को मिलती है, और कुछ सुपर इम्पोजिशन भी हैं एक के ऊपर एक पेंटिंग। अर्लिएस्ट जो पेंटिंग्स थी यहाँ पर वो ब्लैक में थी, उसके बाद रेड ओकर, देखो ओकर का मतलब यहाँ पे आप समझ लीजिए, काफी बार आएगा ये वर्ड ओकर, ये एक अर्थी पिगमेंट है जिसमें फेरिक ऑक्साइड है और क्ले भी है, जो कलर है वो वेरी करता है राइट येलो से ब्राउन भी और इवन रेड भी, ये मतलब है ओकर का। तो सबसे पुरानी जो पेंटिंग्स थी यहाँ पर वो ब्लैक थी, उसके बाद रेड ओकर, और उसके बाद सबसे लास्ट ग्रुप की जो पेंटिंग्स हैं वो वाइट पेंटिंग्स हैं। अब देखो साउथ इंडिया की बात करें तो प्री हिस्टोरिक ईरा की जो पेंटिंग्स साउथ इंडिया में पाई गई हैं वो पाई गई हैं तेलंगाना के कुपगालू में, पिकलीहाल और टेकलकोटा, ये जगह है कर्नाटक में, दोनों जगह कर्नाटक में हैं। यहाँ पर भी प्री हिस्टोरिक ईरा की पेंटिंग्स पाई गई हैं, और ज़्यादातर ये पेंटिंग्स वाइट में हैं और रेड ओकर में हैं। सब्जेक्ट्स क्या हैं, थीम्स क्या हैं, बुल्स, संबर्स, ये देखो संबर्स हिरन का एक टाइप है, उसके बाद एलिफेंट्स, सिप, गजल्स, ये भी एक हिरन का टाइप है, नीचे तस्वीर देखिए, उसके बाद गोट्स, हॉर्सेज यानी घोड़े, स्टाइलाइज्ड ह्यूमंस, और सबसे लास्ट में ट्राइडेंट्स यानी त्रिशूल। तो ये सब थीम्स या फिर सब्जेक्ट मैटर देखने को मिल सकता है साउथ इंडिया में जो प्री हिस्टोरिक ईरा की पेंटिंग्स पाई गई हैं। इवन कश्मीर में भी दो स्लैब मिलती हैं प्री हिस्टोरिक ईरा की पेंटिंग्स की। लेकिन देखो अभी तक जो हमने जगह डिस्कस की ठीक है, सबसे ज़्यादा तो इस ईरा की जो पेंटिंग्स देखने को मिलती हैं वो मध्य प्रदेश के विंध्या रेंजेस में देखने को मिलती हैं, और विंध्या रेंज जो उत्तर प्रदेश में एक्सटेंड होती है कैमूर रेंज की फॉर्म में, वहां पर भी देखने को मिलती है। देखो पेलियोलिथिक और मेसोलिथिक जब समय था तो उस समय इस जगह पे बहुत सारे फॉरेस्ट थे, वाइल्ड प्लांट्स थे, फ्रूट्स थे, स्ट्रीम्स थी और क्रीक्स थी, कुल मिलाकर बिल्कुल उपयुक्त जगह थी उस समय लोगों के रहने के लिए।
इस वजह से बहुत ही ज्यादा पेंटिंग्स यहां पर देखने को मिलती हैं मध्य प्रदेश के विंध्या रेंजेस में प्री हिस्टोरिक इरा की। जो हम बात कर रहे थे भीमबेटका पेंटिंग्स, भीमबेटका जो पेंटिंग्स है वो यहीं पर देखने को मिलती है मध्य प्रदेश के विंध्या रेंजेस में। हम बात करें स्पेशली भीमबेटका पेंटिंग्स के बारे में। देखो भीमबेटका कहां पर है, मध्य प्रदेश के विंध्यास हिल्स में है भीमबेटका, लार्जेस्ट और मोस्ट स्पेक्टेकुलर रॉक शेल्टर है। तो जैसा हमने डिस्कस किया, जहां रॉक शेल्टर्स वहां ज्यादा संभावना इस प्रकार के पेंटिंग्स के मिलने की। तो वहां पे देखो ऑलमोस्ट 800 रॉक शेल्टर्स हैं, 800 रॉक शेल्टर्स हैं, 800 में से 500 रॉक शेल्टर्स ऐसे हैं जहां पर प्री हिस्टोरिक इरा की पेंटिंग्स पाई गई हैं। और पेंटिंग्स किस तरह की, हंटिंग्स, डांसिंग, म्यूजिक, हॉर्स, एलिफेंट राइडर्स, एनिमल फाइटिंग, हनी कलेक्शन, डेकोरेशन ऑफ बॉडीज और दूसरे जो हाउस होल्ड सीन्स होते थे उन सब की पेंटिंग्स बनाई गई हैं। यहां पर आप देख सकते हो हंटिंग की तस्वीरें हैं। तो इस प्रकार से ये सारी चीजें हैं यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकती है, कौन कौन सी थीम्स देखने को मिलती हैं। देखो वैसे भीमबेटका पेंटिंग्स को आप कई कैटेगरीज में क्लासिफाई कर सकते हो, स्टाइल के आधार पर, किस प्रकार का स्टाइल यूज किया गया है पेंटिंग्स को बनाने में, किस प्रकार की टेक्निक यूज की गई है और कैसे एक पेंटिंग को यानी एक कलर को दूसरे पे सुपर इंपोज किया गया है। तो इन सब चीजों के आधार पर आप भीमबेटका पेंटिंग्स को कई कैटेगरीज में क्लासिफाई कर सकते हो। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको दे दूं, पॉलिटिकल साइंस के लिए अगर आप कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो तो इस वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उस पर क्लिक करके आप पॉलिटिकल साइंस के लिए कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। आप देखो प्री हिस्टोरिक इरा के अंदर जो अलग अलग पीरियड्स हैं, जैसे कि पेलियोलिथिक पीरियड, उसके बाद मीजोलिथिक पीरियड और उसके बाद कैल्कोलिथिक पीरियड, इन पीरियड्स में किस प्रकार की पेंटिंग थी थोड़ा बहुत वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अपर पेलियोलिथिक पीरियड की। लीनियर रिप्रेजेंटेशन, जैसा हमने डिस्कस किया कि ह्यूमन बींग्स को स्टिक की फॉर्म में दिखाया जाता था, पेंटिंग्स मिलती हैं ग्रीन कलर में और डार्क रेड कलर में। देखो जो बड़े बड़े एनिमल फिगर्स हैं जैसे बाइसोन, ये जो तस्वीर है वो बाइसोन की है, एलिफेंट्स, टाइगर्स, राइनोज और बोर्स, बोर्स मतलब जंगली सुअर, इन बड़े बड़े एनिमल्स की पेंटिंग्स बनाई गई थी अपर पेलियोलिथिक ईरा में। इसके अलावा ह्यूमन बींग्स जो हमने पहले डिस्कस किया था, स्टिक की फॉर्म में ह्यूमन बींग्स की तस्वीरें बनाई गई थी और इन सबको फिल किया गया था, बीच बीच में ज्योमेट्रिक पैटर्न्स भी बनाए गए थे। देखो ग्रीन पेंटिंग्स जो देखने को मिलती है वो तो डांसर्स की है, अगर ह्यूमन बींग्स डांस कर रही हैं तो इस चीज को रिप्रेजेंट किया गया है ग्रीन कलर की पेंटिंग में। लेकिन अगर ह्यूमन बींग्स शिकार कर रहे हैं, इस तस्वीर को देखिए, यहां पे ह्यूमन बींग्स के द्वारा शिकार किया जा रहा है, तो इस प्रकार के सीन को रिप्रेजेंट किया गया है रेड कलर के पेंटिंग्स में। तो ये हमने जाना अपर पेलियोलिथिक पीरियड की पेंटिंग्स के बारे में। अब मीजोलिथिक ईरा की पेंटिंग्स के बारे में जानते हैं। मीजोलिथिक पीरियड में क्या हुआ, थीम्स तो काफी इंक्रीज हो गई, यानी और ज्यादा सब्जेक्ट्स पे पेंटिंग्स बनाई जाने लगी, लेकिन पेंटिंग्स का जो साइज है वो छोटा हो गया। जैसे देखो पेलियोलिथिक पीरियड में जो पेंटिंग्स बनाई जाती थी उनका साइज बड़ा था लेकिन थीम्स कम थी। मीजोलिथिक पीरियड में क्या हुआ, पेंटिंग्स का साइज तो छोटा हो गया लेकिन थीम्स इंक्रीज हो गई। हंटिंग सीन्स की जो थीम्स हैं वो सबसे ज्यादा हैं। ह्यूमन बींग्स को ग्रुप में शिकार करते हुए दिखाया गया है, यानी कई सारे ह्यूमन बींग्स मिलके एक साथ शिकार कर रहे हैं, उनके पास इस प्रकार के स्टोन के बने भाले हैं, धनुष हैं, तीर हैं। और देखो ह्यूमन बींग्स को सिंपल कपड़ों में दिखाया गया है, सिंपल गहनों में दिखाया गया है, मेनली ह्यूमन बींग्स अपने आप को डेकोरेट करने के लिए, सजाने के लिए हेड ड्रेसेस लगाते थे। आज के समय में तो पगड़ी लगा ली जाती है, लेकिन आपने कई बार देखा होगा कि ट्राइबल लोग इस प्रकार का हेड ड्रेस पहनते हैं अपने आप को डेकोरेट करने के लिए। तो उस समय में भी, मीजोलिथिक पीरियड में भी ह्यूमन बींग्स इसी प्रकार का हेड ड्रेस पहनते थे, खास करके हम मैन की बात कर रहे हैं यहाँ पर। बड़े बड़े एनिमल्स की पेंटिंग्स बनाई गई थी मीजोलिथिक पीरियड में भी, जैसे एलिफेंट, बाइसोन, टाइगर, बोर, एंटेलोप, लियोपर्ड, पैंथर, राइनो, फिश, फ्रॉग, लिजर्ड, स्किरिल, तो इन सब एनिमल्स की पेंटिंग्स उस समय में बनाई गई थी मीजोलिथिक पीरियड में। अब आप एक तस्वीर देखिए, ये तस्वीर मीजोलिथिक पीरियड की है, ये देखो शिकार करते हुए, ग्रुप में शिकार करते आप देख सकते हो ह्यूमन बींग्स को, उनके पास ये भाले हैं, इस प्रकार के हथियार हैं, आप देख सकते हो इस तस्वीर में। तस्वीर देखने से देखो चीज याद आ जाती है। मेनली देखो मीजोलिथिक पीरियड में आर्टिस्ट को एनिमल्स को पेंट करना बहुत अच्छा लगता था, एनिमल्स की तस्वीरें बहुत ही ज्यादा हैं, इवन कई तस्वीरों में तो जो एनिमल्स हैं वो मैन का पीछा कर रहे हैं, इस प्रकार की पेंटिंग्स भी बनाई गई थी मीजोलिथिक पीरियड में। लेकिन एनिमल्स को नेचुरलिस्टिक स्टाइल में दिखाया जाता था,
और उस समय ह्यूमन बींग्स को काफी स्टाइलिस्टिक मैनर में दिखाया जाता था। कम्युनिटी डांस यानी कि ग्रुप डांस काफी कॉमन थीम है। इसके अलावा ह्यूमन बींग्स ट्रीज से यानी पेड़ों से शहद इकट्ठा कर रहे हैं या फिर फ्रूट्स इकट्ठा कर रहे हैं, ये थीम काफी कॉमन है। और वुमन्स यानी महिलाएं उन फ्रूट्स को पीस के खाना प्रिपेयर कर रही हैं, इस तरह की पेंटिंग्स भी देखी जा सकती हैं। और सबसे लास्ट में मैन वुमन और बच्चे फैमिली लाइफ की पेंटिंग्स भी काफी ज्यादा बनाई गई थी मिजोलिथिक पीरियड में। तो अब हम बात करते हैं कैल्कोलिथिक पीरियड में किस प्रकार की पेंटिंग्स बनाई गई थी। कैल्कोलिथिक पीरियड में क्या हुआ, कुछ ह्यूमन बींग्स मालवा रीजन में सेटल डाउन हो गए यानी वहीं पर रहकर खेती करने लगे, लेकिन कुछ लोग वैसे ही जैसा पहले रॉक शेल्टर्स में रहते थे या फिर गुफाओं में रहते थे वैसे ही रह रहे थे। तो कैल्कोलिथिक पीरियड में जो पेंटिंग्स देखने को मिलती हैं, गुफाओं में रहने वाले लोगों का एसोसिएशन कॉन्टैक्ट कह सकते हैं या फिर म्यूचुअल एक्सचेंज कह सकते हैं देखने को मिलता है मालवा रीजन में सेटल डाउन हुए लोगों के साथ। समझ गए ना आप, एक तरफ तो लोग कुछ लोग जैसे पहले गुफाओं में रह रहे थे वैसे ही गुफाओं में रह रहे थे, दूसरी तरफ कुछ लोग मालवा रीजन में मालवा प्लेन्स में सेटल डाउन हो गए और खेती करने लगे। तो कैलकुलेटिक पीरियड की पेंटिंग्स में क्या देखने को मिलता है कि दोनों कम्युनिटीज में आपस में एक्सचेंज हो रहा है, चीजों का आदान प्रदान हो रहा है, एसोसिएशन हो रहा है, कॉन्टैक्ट देखने को मिल रहा है। तो इस प्रकार की काफी सारी थीम्स थी। इसके अलावा इसी पीरियड में काफी कॉमन थीम्स जैसे कि क्रॉस हैस्ट स्केयर्स, ये जो इस प्रकार के जो स्केयर्स होते हैं इनको क्रॉस हैस्ट स्केयर्स कहा जाता है, या फिर लेटिसेस, ये जो पिक्चर है लेटिसेस की, ये सिर्फ आपको बताने के लिए है कि लेटिस होता क्या है, अदरवाइज इस तरह की पिक्चर तो ऑफकोर्स उस समय नहीं बनाई होगी। पोटरी और सबसे लास्ट में मेटल टूल्स यानी स्टोन से बने जो टूल्स होते थे उनकी पेंटिंग्स काफी ज्यादा बनाई गई थी कैल्कोलिथिक पीरियड में। अब देखो भीमबेटका पेंटिंग्स के आधार पर हम जनरलाइज करने की कोशिश करते हैं, एसेंस निकालते हैं कि प्री हिस्टोरिकल पीरियड में जो पेंटिंग्स थी उनके क्या फीचर्स हैं। तो देखो जनरलाइज करने की कोशिश करें तो कई तरह के शेड्स मिलते हैं, जैसे वाइट, येलो, ऑरेंज, रेड ओकर, पर्पल, ब्राउन, ग्रीन एंड ब्लैक। अगर यूपीएससी पूछे कि प्री हिस्टोरिकल पीरियड में सिर्फ रेड या फिर वाइट कलर की पेंटिंग्स मिलती हैं तो वो गलत स्टेटमेंट हो जाएगी, क्योंकि इन सभी तरह के शेड्स मिलते हैं प्री हिस्टोरिकल पीरियड में। लेकिन देखो वाइट और रेड ये दो कलर फेवरेट्स थे प्री हिस्टोरिकल पीरियड में ह्यूमन बींग्स के, और इन दो कलर की पेंटिंग्स सबसे ज्यादा मिलती हैं। क्वेश्चन ये उठता है कि उस समय ह्यूमन बींग्स के पास कलर्स कहाँ से आते थे। तो देखो रॉक्स यानी चट्टानों और मिनरल्स को पीस कर ह्यूमन बींग्स उस समय कलर्स हासिल करते थे। रेड कलर उनको मिलता था हेमेटाइट से, ग्रीन कलर मिलता था कैल्सेडोनी नाम के एक स्टोन से, पत्थर से, और वाइट कलर मिलता था लाइमस्टोन से। पहले इन मिनरल्स और रॉक्स को पीस के पाउडर में कन्वर्ट किया जाता था, उसके बाद इस पाउडर में मिक्स किया जाता था किसी प्रकार का थिक या फिर स्टिकी सब्सटेंस, जैसे एनिमल फैट या फिर गम या फिर ट्रीज से मिलने वाला रेजिन। तो ये सब चीज़ें मिक्स की जाती थी रॉक्स और मिनरल्स को पीस के जो पाउडर मिलता था, इस प्रकार से कलर्स तैयार किए जाते थे। तो यूपीएससी पूछ सकती है कि वाइट कलर कहाँ से मिलता था, ग्रीन कलर कौन से पत्थर से मिलता था, और रेड कलर कहाँ से मिलता था। तो ये चीज़ें आप याद रखिएगा। नेक्स्ट देखो बताया जाता है कि पेंटिंग्स के लिए ब्रश तैयार किए जाते थे प्लांट्स फाइबर्स की सहायता से। और एक क्वेश्चन आपके दिमाग में जरूर आया होगा कि पेंटिंग्स देखो इतना समय पहले की गई थी लेकिन आज भी जो कलर्स हैं बिल्कुल इंटैक्ट है, ऐसा क्यों? क्योंकि देखो चट्टानों के ऊपर जो ऑक्साइड था वो ऑक्साइड रिएक्ट कर गया कलर्स के साथ, तो केमिकल रिएक्शन हुई, इस वजह से जो कलर्स हैं वो आज भी इंटैक्ट हैं। कई बार ये देखने को मिलता है कि पेंटिंग्स जो है वो काफ़ी ऊपर बनाई जाती थी सीलिंग्स के पास, ऐसा इसलिए ताकि दूर से ही पेंटिंग साफ नज़र आए। ऐसा देखने को मिल सकता है लखुदियार रॉक पेंटिंग जो कि उत्तराखंड में है, काफ़ी छत के नज़दीक पेंटिंग बनाई जाती थी। और भीमबेटका पेंटिंग में तो एक चीज़ ये देखने को मिलती है कि एक के ऊपर एक पेंटिंग्स की 20 लेयर्स देखने को मिलती हैं। मान लीजिए कोई एक पेंटिंग है उसके ऊपर एक और पेंटिंग, उसके ऊपर एक और पेंटिंग, इस प्रकार की 20 लेयर्स देखने को मिलती हैं। ऐसा देखो कई सारे रीजन्स की वजह से हो सकता है। एक रीजन तो साफ तौर पर यह है कि ह्यूमन बींग्स को एक दूसरे की क्रिएशन पसंद ना आती हो। मान लीजिए यहाँ पर किसी पर्सन ने पेंटिंग बनाई लेकिन दूसरे पर्सन को लगता है कि ये पेंटिंग ठीक नहीं बनी है, तो इसी पेंटिंग के ऊपर वो अपनी पेंटिंग बना देगा। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कुछ जो प्लेसेस थे वो बहुत ही ज़्यादा पवित्र माने जाते हों और वहीं पर दोबारा पेंटिंग्स बनाने की कोशिश की जा रही थी विभिन्न ह्यूमन बींग्स के द्वारा, यानी मान्यता होती होगी कि ये इस प्लेस पे आप
अगर पेंटिंग बनाओगे तो सब कुछ अच्छा होगा। इसी वजह से फोकस ये दिया जाता था कि उसी प्लेस पे बार बार पेंटिंग बनाई जाए। या फिर ऐसा भी होता हो सकता है कि विभिन्न जनरेशंस के द्वारा ये पेंटिंग्स बनाई गई हों। मान लीजिए एक जनरेशन आज की है, उसने इस जगह पे पेंटिंग बनाई, फिर दो तीन जनरेशन बाद जो ह्यूमन बींग्स हुए उन्होंने भी इसी जगह पेंटिंग बनाई, फिर उसके बाद दो तीन जनरेशन बाद जो ह्यूमन बींग्स हुए उन्होंने भी उसी जगह पेंटिंग्स बनाई। तो ये सारे रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से इतनी सारी लेयर्स देखने को मिलती हैं पेंटिंग्स की। तो इस लेक्चर में बस इतना ही है, आगे हम इंडस वैली सिविलाइजेशन से संबंधित लेक्चर डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।